हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। कैसे बनाते हैं, राजस्थानी स्टाइल में या किसी भी स्टाइल में समझ लो, वो कैसे बनाते हैं। हमें बहुत सारी साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हैं। इसमें आधा किलो हम साबूदाना लेना, आपके हिसाब से आप कितना भी ले सकते हो। इतने सारे टमाटर लिए मैंने एक कटोरी, और कम से कम आधा किलो मैंने आलू और मिर्च लिए हैं, मतलब मिक्सअप में। और हम इसमें जीरा डालेंगे और तेल डाल दिया मैंने 2 चम्मच, और हम आलू डालेंगे। फिर आलू डालेंगे, थोड़ा जीरा आने देंगे उसको, फिर उसमें आलू डालेंगे हम। और इसमें स्वाद अनुसार आप नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह सब डाल सकते हो। अपने ज़्यादा चक्का रखना चाह रहे हो, कैसे रखना चाह रहे हो। ये देखिए आलू है, वो फ्राई होने लगे हैं और इनको साफ तरीके से धोने का है आपको, क्योंकि ये वर्थ के लिए हमारे काम आता है। और मैंने इतने सारा साबूदाना लिया, आप देख सकते हो ये, और इसको कम से कम आपको 2 घंटों तक इसको आपको भिजोना पड़ेगा, यानी इसको पानी के अंदर डाल के रखना पड़ेगा। और इतना सारा मैंने टमाटर लिया है, इतने सारे आलू लिए मैंने, और इतना सारा साबूदाना लिया मैंने। आपके हिसाब से आप कितने दिनों पे कर रहे हो उसके हिसाब से। ये 5 दिनों के लिए है, यानी 5 दिनों के लिए। मैं फ्राई करना है पहले आलू को, पहले साबूदाना वगैरह कुछ नहीं डालना आपको। अब 1 चम्मच हमने मिर्ची डाली अभी, और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं। तो 2 चम्मच हमने मिर्ची डाल दी इसमें, और इसमें आपको नमक वही यूज़ में लेना है जो आपको सगार में यूज़ करना है। आप सगार में यूज़ नहीं कर रहे हो, ये 2.5 चम्मच, 2.5 चम्मच मम्मी ने मिर्ची डाल दी इसमें। और आगे हम इसमें नमक डालेंगे, वो सफ़ेद नमक होगा। फिर इसमें मम्मी कम से कम 1/2 चम्मच हल्दी डालेगी, और फिर इसमें जो नमक है 1/2 चम्मच से ज़्यादा डाल दी मम्मी ने, तो आप कम से कम हाफ हल्दी ले सकते हो। और यहाँ पर मम्मी सादा नमक डाल रही है, वो यूज़ में नहीं ले रही है, जो सफ़ेद नमक आता है हमारे, वो यूज़ में नहीं ले रही है मम्मी यहाँ पर। हाँ देखो, 1 चम्मच ले लेना है आपको बस, और अभी और ले रही है मम्मी सादा नमक। यानी आपको 1.5 चम्मच आपको नमक डालना है 1/2 किलो की खिचड़ी के अंदर, यानी 1/2 किलो साबूदाना की खिचड़ी करते हो उसमें आपको 1.5 चम्मच आपको नमक डालना है। हाँ तो मम्मी इसको मिला रही है, आप देख सकते हो अभी तक इसमें साबूदाना नहीं डाला है मम्मी ने। तो देखिए, आपने मम्मी ने पूरा इसको मिला दिया, मिक्सअप कर दिया एकदम, मतलब सारी चीज़ें इसमें मिला दी गई है, पर अभी तक साबूदाना और टमाटर नहीं डाले मम्मी ने, अभी डालने वाले हैं। अभी एकदम आलू एकदम शानदार तरीके से पक गए हैं, अब मम्मी इसमें साबूदाना डालेगी। देखिए आप, ये साबूदाना डाल दिया मम्मी इसमें, तो इसमें मम्मी ने साबूदाना डाल दिया। पर आप ये मत सोचना कभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कभी मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, तो मिक्सअप में बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगी। तो मम्मी अब इसमें मिक्सअप करेगी, तो आपको कुछ हमारे यहाँ मारवाड़ी में संडासी, यानी पकड़ने वाली चिमटी कह सकते हो आप उसे। तो मम्मी तो हाथ से ही पकड़ रही है, पर आप उसे यूज़ में कर सकते हो। और आपको गैस लो मीडियम या धीमा, मारवाड़ी के अंदर धीमा कह सकते हो, और इंग्लिश के अंदर आप या हिंदी बोल रहे हो तो लो मीडियम आपको गैस रखना है। और देखिए मम्मी ने मिक्सअप कर लिया शानदार, एकदम शानदार तरीके से। अभी और करेगी मम्मी मिक्सअप इसको, क्योंकि ये सफ़ेद है जो दिखने नहीं चाहिए, पूरा मसाला मिक्सअप हो जाएगा एकदम शानदार, एकदम अच्छा लगेगा, आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा मैं। पर आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज कान की जन्माष्टमी है, यानी करें जन्माष्टमी आज, इसलिए बना रहे हैं आज। सब कुछ लोग कुछ भी क्या बनाएंगे, कुछ सगार के मिर्ची बड़े भी खाएंगे, वो भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सगार के मिर्ची बड़े कैसे बनते हैं दुकान पर ले जाके कंदोई के द्वारा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक इसको सेकना है बस, ऐसे नहीं जला दोगे पीछे नीचे से, थोड़ा 5-10 मिनट ही सेक, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा सेकना है आपको, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आप टमाटर मिला देना है, आपको मम्मी मिलाएगी अभी, आपको बता रहा हूँ। ये मम्मी ने मिक्सअप कर दिया टमाटर, आपको टमाटर मिक्सअप कर देना है, और खिचड़ी तैयार रही है साबूदाना की, तो इसको टेस्ट करके देखेंगे अभी। तो हम इसको टेस्ट करके देख लिया हमने, और टेस्ट करेंगे, सॉरी टेस्ट करके देखा दिया अभी, तो अब देख रहे हैं टेस्ट। तो देखिए मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से बनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।